वन इट्स मी शिल्पी एंड आई वेलकम यू ऑल टू माई चैनल आज हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का पार्ट थर्टीथ करेंगे जिसमें हम क्वेश्चन करेंगे ट्रांसपीरेशन और मिनरल न्यूट्रिशन से रिलेटेड सो स्टार्ट करते हैं सो फर्स्ट क्वेश्चन है वॉट अमाउंट ऑफ वाटर एबजॉर्ब बाय प्लांट्स इज लॉस्ड इन ट्रांसपीरेशन ए 80%, परसेंट बी 90%, परसेंट सी 95% परसेंट या डी 75%। परसेंट so सो 95 परसेंट ऑफ द वाटर इज लो लॉस्ड इन ट्रांसपीरेशन सेकेंड क्वेश्चन है विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग ट्रांसपीरेशन ए लिविंग सेल्स आर इन्वॉल्व ओब्वियसली ये करेक्ट है बी है वी पी डी पी एंड ओ पी इन्वॉल्व सी इज कॉजेज ड्राइनेस ऑफ द सर्फेस या डी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस देखिए फिजियोलॉजिकल प्रोसेस ट्रांसपीरेशन होता है व, 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 वेपर प्रेशर डिफ्यूजन प्रेशर और ऑस्मोटिक प्रेशर इन्वॉल्व होते हैं लेकिन ये सरफेस की ड्राइनेस नहीं करता है सो करेक्ट आंसर इज सी नेक्स्ट पूछा है इस्टोमेटल ट्रांसपीरेशन अकाउंट्स फॉर व्हाट परसेंट ऑफ वाटर लॉस ए ट्वेंटी परसेंट बी एटी टू नाइन्टी परसेंट सी सेवेंटी परसेंट या डी सेवेंटी फ़ाइव परसेंट सो करेक्ट आंसर इज बी एटी टू नाइन्टी परसेंट नेक्स्ट है विच ऑफ़ द फॉलोइंग लैग स्टोमेटा ए एनजियोस्पॉम्स बी ब्रायोफाइट्स सी एल या डी टेरिडोफाइट्स सो करेक्ट आंसर इसका होगा सी एल गी में स्टोमेटा नहीं होते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर ऑफ स्टोमेटा पर स्क्वायर सेंटीमीटर ऑफ लीफ इज़ ए फाइव हंड्रेड टू 1000 बी 1000 टू टू सी वन टू सिक्सटी थाउजेंड या डी नन ऑफ दीज करेक्ट आंसर इज सी वन टू सिक्सटी नेक्स्ट है फुली ओपन स्टोमेटा ऑफ लीफ ऑक्यूपाइज वॉट परसेंट ऑफ लीफ एरिया ए जीरो पॉइंट फाइव परसेंट बी फाइव परसेंट सी टेन परसेंट या डी वन टू टू परसेंट करेक्ट आंसर इज डी वन टू टू परसेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है बार्बेल शेप्ड गार्ड सेल्स आर फाउंड इन ए लेग्यूम्स बी कुकर सी ग्रासेस या डी नन करेक्ट विल बी सी ग्रासेस नेक्स्ट पूछा है व्हेन स्टोमेटा आर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन बोथ द सरफेस ऑफ लीव टिश्यू आर कॉल्ड एज ए पोटैटो टाइप बी ओट टाइप सी एप्पल टाइप या डी लिली टाइप आंसर होगा इसका बी ओट टाइप ठीक है क्योंकि ओट टाइप ऑफ लीफ में लीफ सरफेस की अपर और लोअर दोनों एंड पर स्टोमेटा इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं एप्पल टाइप वाले जो स्टोमेटा होते हैं वो लोअर सरफेस पर ही सिचुएटेड होते हैं पोटेटो टाइप में क्या होता है कि ज़्यादा स्टोमेटा लोअर सरफेस पे होते हैं बच बट, बट कुछ एक स्टोमेटा अपर सरफेस पे भी मिलते हैं नेक्स्ट है

नेक्स्ट स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा आर फाउंड इन ए ओ बी सालसोला सी सेडम या डी ऑल ऑफ दीज करेक्ट विल बी डी ऑल ऑफ दीज नेक्स्ट मैक्सिमम ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा अकर सेट ए एट ए एम बी ट्वेल्व नोन सी टेन ए एम या डी फोर पी एम करेक्ट विल बी सी टेन ए एम नेक्स्ट ऑन पर यूनिट एरिया बेसिस ट्रांसपीरेशन रेट इज मोर इन ए स्मॉलर प्लांट्स बी लार्जर प्लांट्स सी इक्वल इन बोथ या डी नॉट नोन करेक्ट इज ए स्मॉलर प्लांट्स नेक्स्ट है ट्रांसपीरेशन इज मैक्सिमम इन ए ब्लू लाइट बी रेड लाइट सी फार रेड लाइट या डी ग्रीन लाइट ध्यान से सुनना ट्रांसपीरेशन पूछा है इसका करेक्ट आंसर होगा बी रेड लाइट नेक्स्ट है ट्रांसपीरेशन इज अ नेसेसरी इविल इज कॉल्ड बाय ए कोजलॉस् डी बी क्रेमर सी करटिस या डी नन करेक्ट इज सी करटिस नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोविंग इज नॉट एन एंटी ट्रांसपेरेंट ट्रांसपेरेंट को कौन सा इन चारों में से ऐसा कौन सा सब्सटेंस है जो ट्रांसपेरेशन को नहीं रोकता है इट इज़ नॉट एन एंटी ट्रांसपेरेंट ए इज़ ए बी ए बी एस्पिरं सी पी एम ए या डी नन ऑफ दीज करेक्ट इज डी नन ऑफ दीज क्योंकि ये तीनों ही क्या है एंटी ट्रांसपीरेंट सब्सटेंसेस हैं नेक्स्ट है ट्रांसपीरेशन इज मेजर्ड बाय ए पोरोमीटर बी पोटोमीटर सी फोटोमीटर या डी मैनोमीटर करेक्ट आंसर इज बी पोटोमीटर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नेक्स्ट है गटेशन अकर्स थ्रू ए लेंटिसल्स बी हाइडाथोर्ड्स सी स्टोमेटा या डी करेक्ट इज बी हाइडाथोर्ड्स देखिए गटेशन क्या होता है गटेशन एक अनकंट्रोल्ड फिनोमिना होता है ऐसे प्लांट्स में जिसमें वाटर एब्जॉर्बशन की रेट ज़्यादा है और ट्रांसपीरेशन की रेट कम है सो so, उस वजह से ट्रांसपीरेशन तो कम हो जाता है तो वाटर लॉस होना ज़रूरी है तो वो कहाँ से होता है वो लीफ मार्जिन पर स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड एज हायदरा प्रेजेंट होते हैं उसके थ्रू वाटर लॉस होता है ठीक है और ट्रांसपीरेशन में तो क्या होता है वेपर के फॉर्म में होता है बट गटेशन में क्या होता है वाटर के फॉर्म में होता है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है गटेशन इज ड्यू टू ए ऑस्मोटिक प्रेशर बी सक्शन प्रेशर सी रूट प्रेशर या डी टर्गर प्रेशर करेक्ट इज सी रूट प्रेशर के कारण होता है गटेशन नेक्स्ट है विच इज़ रॉन्ग रिगार्डिंग गटेक्शन ए लॉस इन लिक्विड फॉर्म बी थ्रू हाइड्राथॉट्स सी ड्यू टू रूट प्रेशर या डी प्योर वाटर सो गटेशन कैसा है इमप्योर वाटर है सो ये रॉन्ग हो गया ऑप्शन नेक्स्ट है गटेशन अकर्स वेन ए वॉर्म डेज़ फॉलोड बाय कूल नाइट्स बी कूल days फॉलोड बाय cool cool warm नाइट्स सी प्लांट्स ग्रोइंग इन ड्राई warm soil. या डी none. इसका करेक्ट आंसर होगा ए warm days विच आर फॉलोड by कूल cool नाइट्स तब होता है गटेशन ठीक है नेक्स्ट है द हाइएस्ट लॉस ऑफ वाटर थ्रू गटेशन टेक्स प्लेस इन ए ट्रोप्यूलम ना बी ओट सी बार्ले या डी कोलोकेशिया एंटीक्ूरम करेक्ट आंसर इज डी कोलोकेशिया एंटीक्ूरम नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्टोमेटल मूवमेंट्स आर ड्यू टू ए प्रेशर ऑफ वाटर वेपर इन साइड बी टर्गर प्रेशर ऑफ गार्ड सेल्स सी जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन या डी नन ऑफ द अबव करेक्ट इज बी टर्गर प्रेशर ऑफ गार्ड सेल्स नेक्स्ट है ट्रांसपीरेशन एफिशियंसी रिफर्स टू ए वाटर एब्जॉर्ब्शन ट्रांसपीरेशन रेशियो बी ट्रांसपिरेशन इन रिलेशन टू एसेंट ऑफ सैप सी वेट ऑफ ड्राई मैटर प्रोड्यूस्ड पर के जी ऑफ वाटर ट्रांसपायर्ड या डी नन ऑफ द अबव करेक्ट विल बी सी नेक्स्ट है वेन रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ एटमोस्फियर इज सेंट परसेंट द स्टोमेटा विल ए ओपन बी क्लोज सी पार्शली ओपन या डी पार्शली क्लोज्ड करेक्ट आंसर विल बी ए स्टोमेटा ओपन हो जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है गार्ड सेल्स डिफर फ्रॉम एडजेसेंट एपिडर्मल सेल्स इन हैविंग ओब्वियसली क्लोरोप्लास्ट होता है ना मेन फीचर गार्ड सेल्स का दूसरे ऑप्शन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है नेक्स्ट है इस्टोमेटल ओपनिंग इज मेजर्ड बाय ए प्लानीमीटर बी पोटोमीटर सी पोरोमीटर या डी फोटोमीटर करेक्ट विल बी सी पोरोमीटर ठीक है इस्टोमेटल ओपनिंग को मेजर करने के लिए क्या चाहिए होता है पोरोमीटर और हमने पहले क्या पढ़ा था ट्रांसपीरेशन के लिए पोटोमीटर ठीक है नेक्स्ट है द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर अफेक्टिंग ट्रांसपीरेशन इज़ ए टेम्परेचर बी ह्यूमिडिटी सी विंड या डी लाइट इसका करेक्ट आंसर होगा बी ह्यूमिडिटी नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू स्कार सायर स्टोमेटल मूवमेंट इज गवर्न बाय ए पी एच बी एनजाइम्स सी फोटोफॉस सॉरी सी फॉस्फोराइलेशन या डी एन ए डी एच टू फॉर्मेशन इसका करेक्ट आंसर होगा ए पी एच नेक्स्ट क्वेश्चन है साइट ऑफ ट्रांसपीरेशन इज़ ए स्टेम बी रूट सी लीव्स या डी एरियल पार्ट्स देखिए ये कन्फ्यूजिंग इसमें ये दे रखें ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा एरियल पार्ट्स जितने भी एरियल पार्ट्स हैं वहाँ से ट्रांसपीरेशन हो सकता है चाहे वो लीव्स हो चाहे वो स्टेम हो चाहे वो लेंटी सेल्स हो चाहे वो क्यूटिकल हो सब जगह से ट्रांसपरेशन हो सकता है सिर्फ और सिर्फ लीव्स से नहीं ठीक है नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली टू फॉर वाई फॉर वाइडर ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा ए द एटमोसफियर आउटसाइड स्टोमा बिकम लेस ह्यूमिड बी सिक्रीशन ऑफ सॉल्ट मॉलिक्यूल्स बाय एडजेसेंट सेल्स सी वाटर मॉलिक्यूल्स एंटर द गार्ड सेल्स या डी द नाइट टेम्परेचर फॉल्स सो इसका करेक्ट आंसर होगा सी ठीक है जब वाटर मॉलिक्यूल्स गार्ड सेल्स के अंदर आएंगे तभी तो स्टोमेटा ओपन होगा नेक्स्ट है द स्टोमेटा ओपन व्हेन द गार्ड सेल्स आर ए ग्रीन बी फ्लैसिड सी लार्ज या डी टर्जिड ऑब्वियसली टर्जिड होगा तब स्टोमेटा uh, ओपन हो जाएगा नेक्स्ट पूछा है व्हेन फुल्ली ओपन द साइज ऑफ स्टोमेटल पोर इज ए वन से थ्री माइक्रोन इंटू फाइव से टेन माइक्रोन बी थ्री से ट्वेल्व माइक्रोन इंटू टेन से फोर्टी फोर्टी माइक्रोन सी वन से टू माइक्रोन या डी टू से फोर माइक्रोन ये ऐसा फैक्चुअल क्वेश्चन है ये ज़्यादातर एग्जाम से पूछा नहीं जाता है बट फिर भी एक आइडिया हमें होना चाहिए कि स्टोमेटल पोर जब फुली ओपन होता है तो वो साइज़ कितना होता है थ्री से ट्वेल्व माइक्रोन इंटू टेन से फोटी माइक्रोन होता है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसपिरेशन लाइज इन ए एसेंट ऑफ सैप बी एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसलोकेशन ऑफ मिनरल सॉल्ट सी कूलिंग इफेक्ट या डी ऑल ऑफ द अबव देखिए इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव क्योंकि एसेंट ऑफ सैप सैप्रब्जॉर्प्शन ऑफ एंड ट्रांसलोकेशन ऑफ मिनरल सॉल्ट और कूलिंग इफेक्ट ये तीनों ही ट्रांसपीरेशन का सिग्निफिकेंस है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा है गटेशन इज डैश फिनोमिननन अभी मैंने बताया था गटेशन एक अनकंट्रोल्ड फिनोमिना है ठीक है जबकि ट्रांसपीरेशन एक कंट्रोल्ड फिनोमिना है नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लांट्स कैन ग्रो बेटर इन मडी वाटर देन इन क्लियर रेन वाटर इज अ फाइंडिंग ऑफ ए आर नन बी डे सॉसर सी वुड वर्ड या डी नन ऑफ दिस करेक्ट इज सी वुड वर्ड नेक्स्ट है प्लांट एश कंटेन्स देखिए जितना जो भी ग्रीन आ, पार्ट है लीज वग़ैरह हैं अगर हम उसको पूरी तरह हीट आ, वो बर्न कर दें हम 600 डिग्री सॉरी 600 डिग्री सेल्सियस पर एक सिलिका क्रूसिबल में अगर हम प्लांट के पार्ट को बर्न करते हैं तो जितने भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जितने भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस है वो सब एयर में वेपराइज हो जाते बचता क्या है सिर्फ और सिर्फ इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस या मिनरल्स बचते हैं तो करेक्ट आंसर होगा बी मिनरल्स ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है नंबर ऑफ एसेंशियल एलिमेंट्स आर ए सिक्सटी बी थर्टी सी सिक्सटीन या डी नाइन सिक्सटीन एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं और थर्टी ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो हर प्लांट्स में मिलते हैं किसी में सॉरी सिक्सटीन एलिमेंट्स तो हर प्लांट्स में मिलते हैं इसके अलावा टोटल थर्टी होते हैं जो किसी प्लांट में कोई थर, इन थर्टी में से कोई एक एलिमेंट मिल रहा है तो दूसरे में वो नहीं मिलता है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है द क्राइटेरिया फॉर एसेंशियलिटी ऑफ एलिमेंट्स वॉज गिवन बाय ए वुड वर्ड बी आर नन सी डे सॉसर या डी नन ऑफ दीज इसका करेक्ट आंसर है बी आर नन नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द क्राइटेरियन ऑन द बेसिस ऑफ विच यू विल डिटरमाइन दैट पर्टिकुलर एलिमेंट इज एसेंशियल किस बेसिस पे हम किसी एलिमेंट को एसेंशियल का दर्जा देते हैं ए ऑप्शन है इन इट्स एब्सेंस प्लांट इज अनेबल टू कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल बिल्कुल सही है सेकेंड है एलिमेंट इज़ स्पेसिफ़िक एलिमेंट इज़ स्पेसिफिक का मतलब क्या हुआ कि भाई अगर सल्फ़र है सल्फ़र के साथ में उसके ऊपर या नीचे वाले जो कोई एलिमेंट है उससे सल्फर को हम रिप्लेस नहीं कर सकते अगर प्लांट को सल्फर चाहिए तो सल्फ़र ही चाहिए इसका मतलब वो एलिमेंट स्पेसिफिक है ठीक है नेक्स्ट है इट हैज़ डायरेक्ट रोल इन मेटाबॉलिज्म ऑब्वियसली सो सारे ये जितने भी हैं ये सारी चीज़ें जरूरी है एक एलिमेंट को एसेंशियल का दर्जा देने के लिए नेक्स्ट पूछा है इन चारों में से कौन सा माइक्रो एलिमेंट है ठीक है so, सो माइक्रो एलिमेंट कौन सा होगा मैंगनीज़ नेक्स्ट है विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रेस एलिमेंट ए मैगनीज बी जिंक सी कॉपर या डी कैल्शियम सो करेक्ट आंसर इसका है डी कैल्शियम नेक्स्ट है द यूजल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन हायर प्लांट्स इज ए वन पॉइंट फाइव परसेंट बी फोर्टी फाइव परसेंट सी सिक्स परसेंट या डी जीरो पॉइंट फाइव परसेंट इसका करेक्ट आंसर होगा बी फोर्टी फाइव परसेंट देखिए ऑक्सीजन और कार्बन दोनों ही फोर्टी फाइव परसेंट चाहिए होती है प्लांट को और हाइड्रोजन कितनी चाहिए होती है हाइड्रोजन सिक्स परसेंट ठीक है नेक्स्ट है फ्रेमवर्क एलिमेंट्स आर इनमें से फ्रेमवर्क एलिमेंट्स कौन से कौन से तीनों ही फ्रेमवर्क एलिमेंट्स हैं नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्रिटिकल एलिमेंट ए सी बी एम जी सी के या डी एच इसका करेक्ट होगा सी के प्लास्टोसाइनिन पीसी सी कंटेंस ए एम ओ बी एम एन सी एफ ई या डी सी यू प्लास्टोसाइनिन में कॉपर होता है नेक्स्ट है क्लोरोफिल इज फॉर्म्ड इन द प्रेजेंस ऑफ ए कॉपर एंड आयरन बी मॉलिवेडनम एंड क्लोरीन, सी मैग्नीशियम या डी आयरन एंड मैग्नीशियम करेक्ट इज डी आयरन एंड मैग्नीशियम। नेक्स्ट है ए सॉरी आयरन इज़ यूज इन ए फेरिक फॉर्म बी एफ ई टू प्लस फॉर्म सी गेल्वेनाइज फॉर्म या डी नॉट यूज इसका करेक्ट आंसर होगा बी एफ ई टू प्लस फॉर्म नेक्स्ट है विच एलिमेंट्स आर रिक्वायर्ड फॉर फोटोलाइसिस ऑफ एच टू ओ एच टू ओ के फोटोलाइसिस के लिए कौन कौन से एलिमेंट रिक्वायर्ड है ए जेड एन एंड एम एन बी एम एन एंड सी एल सी सी एल एंड एम जी या डी एफ ई एंड एम एन सो करेक्ट आंसर इसका होगा बी एम एन एंड क्लोरिन Next day calcium is absorbed by plants from soil in the form of a its nitrates b its sulfates c both a and b or d none करेक्ट आंसर होगा इसका सी कैल्शियम नाइट्रेट और कैल्शियम सल्फेट की फॉर्म में प्लांट्स कैल्शियम को एब्जॉर्ब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइट्रोजन डेफिशिएंसी से क्या होता है सो नाइट्रोजन डेफिशिएंसी से मेच्योर लीव्स का क्लोरोसिस हो जाता है नेक्स्ट पूछा है विच एलिमेंट्स फैसिलिटेट्स ट्रांसलोकेशन ऑफ शुगर इन प्लांट्स इसका करेक्ट आंसर होगा बोरोन बोरोन से शुगर का ट्रांसलोकेशन होता है नेक्स्ट है विच ऑफ़ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज एसेंशियल फॉर सिंथेसिस ऑफ आई ए ए मतलब इंडोल एसिटिक एसिड के सिंथेसिस के लिए कौन सा एलिमेंट जरूरी है ए आयरन बी जिंक सी बोरोन या डी एम एन करेक्ट विल बी बी जिंक नेक्स्ट खैरा डिजीज ऑफ राइस इज ड्यू टू ए फंगस बी बैक्टीरिया सी जेडन डेफिशियंसी या मॉलीबेडनम डेफिशियंसी करेक्ट इज सी जेड एंड डेफिशियंसी नेक्स्ट नाइट्रोजन फिक्सेशन इज़ फैसिलिटेटेड बाय ए कॉपर बी बोरोन सी जिंक या डी मॉलीबेडनम करेक्ट इज डी मॉलीबेडनम नेक्स्ट रिक्लेमेशन डिजीज ऑफ सीरियल्स एंड विपटेल डिजीज ऑफ कॉलीफ्लावर आर ड्यू टू डेफिशियज ऑफ ए कॉपर बी कॉपर एंड बोरोन रिस्पेक्टिवली सी मॉलीबेडनम एंड बोरोन रिस्पेक्टिवली या डी कॉपर एंड मॉलीबेडनम रिस्पेक्टिवली करेक्ट इज डी नेक्स्ट है क्रिटिकल एलिमेंट्स आर क्रिटिकल एलिमेंट्स की डेफिनेशन क्या होती है ए विच आर इन मोर कॉन्सेंट्रेशन इन सॉइल बी विच आर कॉमनली डेफिशियट इन सॉइल सी विच आर एब्सेंट इन सॉइल या डी नन ऑफ दी अबव करेक्ट इज बी विच आर कॉमनली डेफिशियंट इन सॉयल नेक्स्ट है विच जोन ऑफ रूट इज मेनली एसोसिएटेड विथ मिनरल एब्जॉर्बशन रूट के कौन से जोन से मिनरल एब्जॉर्ब किए जाते हैं तो इसका करेक्ट है जोन ऑफ इलोंगेशन ठीक है Next a, accumulation of minerals against concentration gradient without expenditure of energy is explained by a simple diffusion B carrier concept C Donan's equilibrium d. none of these correct is C Donan's equilibrium. Next a, carrier concept of mineral salt absorption was formulated by a London Gird. बी बेनेट क्लार्क सी वेंडन होनेट या डी नन इसका करेक्ट है सी वेंडन होनेट नेक्स्ट है रोल ऑफ साइटोक्रोम्स इज नॉट इन पूछा है नॉट इन ए रेस्पायरेशन बी फोटोसिंथेसिस सी. सॉल्ट ऑब्जॉर्बन या डी ट्रांसपीरेशन करेक्ट इज डी ट्रांसपीरेशन नेक्स्ट है Protein lecithin theory of mineral salt absorption was put forward by A London Gird and Birdstrom B Bennett Clark C Wenden Hornet D. None of the above. Correct is B Bennett Clark. नेक्स्ट है ट्रांसलोकेशन ऑफ मिनरल्स अकर्स थ्रू ए कॉटेक्स बी फ्लोएम सी जाइलम या डी पेरीसाइकल करेक्ट होगा जाइलम क्योंकि जाइलम से ही वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन या ट्रांसलोकेशन होता है नेक्स्ट है द ट्रांसफर ऑफ मिनरल्स फ्रॉम टॉप सॉयल टू सब सॉइल थ्रू सॉइल वाटर इज कॉल्ड एज ए ट्रांसलोकेशन बी कंडक्शन सी परकोलेशन या डी लीचिंग करेक्ट इज डी लीचिंग नेक्स्ट इफ़ क्लोरोफिल इज बर्न वॉट एलिमेंट विल बी लेफ्ट एफ ई बी एम एन सी एम जी या डी एन ए करेक्ट इज सी एम जी क्योंकि क्लोरोफिल का मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट या मेजर एलिमेंट कह लो तो क्या होगा वो मैग्नीशियम नेक्स्ट है सॉइल लेस ग्रोथ इज़ कॉल्ड सॉइल के बिना प्लांट्स को ग्रो करने की टेक्निक को क्या कहते हैं हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं कई बार टी वी में न्यूज़ में सुना है बुक्स में भी पढ़ा है हमने नेक्स्ट है मिनरल्स टू बी एब्जॉर्ब बाय रूट्स आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ ए सॉलिड्स बी वेरी डायल्यूट सोल्यूशन सी डायल्यूट सोल्यूशन या डी कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन करेक्ट है डायल्यूट सॉल्यूशन क्योंकि कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन में तो नहीं प्रेजेंट होते हैं क्योंकि सॉइल में और भी दूसरी चीजें होती है जो डायल्यूट बना देती है नेक्स्ट है एसेंशियलिटी ऑफ अ गिवन मिनरल एलिमेंट कैन बी डिटेक्टेड बाय ए सैंड कल्चर बी सॉल्यूशन कल्चर सी बोथ ए एंड बी या डी नन करेक्ट इज सी बोथ ए एंड बी नेक्स्ट है मिनरल्स आर एब्जॉर्ब बाय प्लांट्स ए इन कोलोडियल फॉर्म बी आयोनिक फॉर्म सी प्रेसिपिटेटेड फॉर्म या डी नन ऑफ दिस करेक्ट इज बी आयोनिक फॉर्म में नेक्स्ट है लीव्स कैन एब्जॉर्ब्स डायरेक्टली लीव्स को बहुत सारे मिनरल्स तो रूट एब्जॉर्ब करती है सॉइल से कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिसको लीव्स डायरेक्टली एब्जॉर्ब कर लेती है वो कौन सा है ए एफ ई बी एम जी सी जेड एन या डी एन सो इसका करेक्ट होगा सी जेड एन जिंक को लीव्स डायरेक्टली एबजॉर्ब कर लेती है नेक्स्ट कॉपर हैज़ मेनली ए बैलेंसिंग फंक्शन बी कैटलिटिक फंक्शन सी टॉक्सिक इफेक्ट या डी ऑल ऑफ दीज करेक्ट इज बी कैटेलिटिक फंक्शन नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज़ नॉट एब्जॉर्ब फ्राम सॉइल सॉइल से कौन सा एलिमेंट एब्जॉर्ब नहीं होता है ए है नाइट्रोजन बी एफ ई सी बी या डी कार्बन सो करेक्ट आंसर इसका होगा डी कार्बन नेक्स्ट है सल्फर हेल्प्स इन ए कार्बोहाइड्रेट फॉर्मेशन बी फैट फॉर्मेशन सी प्रोटीन फॉर्मेशन या डी लीफ फॉर्मेशन करेक्ट इज सी प्रोटीन फॉर्मेशन नेक्स्ट है विल्टिंग ऑफ लीव्स इन हॉट वेदर इज़ ड्यू टू लीव्स का विल्ट हो जाना लीव्स बिल्कुल ऐसे मुरझा जाती है वो फेनोमेना हॉट वेदर में किस कारण से होता है ए एक्सेसिव ट्रांसपीरेशन बी एक्सेस ऑफ ट्रांसपीरेशन एज कम्पेयर टू वाटर एबजॉर्प्शन सी एक्सेसिव वाटर एबजॉर्प्शन बाई रूट्स या डी लैक ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन इसका करेक्ट आंसर होगा बी एक्सेस ऑफ ट्रांसपीरेशन एज कम्पेयर टू वाटर एब्जॉर्प्शन रूट इतना वाटर एब्जॉर्ब कर ही नहीं पाती उससे ज़्यादा तो ट्रांसपीरेशन में उड़ जाता है ठीक है नेक्स्ट है गार्ड सेल्स आर फाउंड इन ए स्टोमेटा बी रूट टिप्स सी ओवरी या डी लेंटी सेल्स ऑब्वियसली स्टोमेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है द फॉलोइंग परसेंटेज ऑफ वाटर एबजॉर्ब बाय हर्बेशियस प्लांट्स इज लॉस्ट इन ट्रांसपीरेशन एट्टी परसेंट बी सिक्सटी परसेंट सी नाइन्टी नाइन परसेंट या डी फोर्टी परसेंट इसका करेक्ट है सी नाइन्टी नाइन परसेंट नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स कॉजेज एन इंक्रीज इन ट्रांसपीरेशन रेट ए अ हॉट ड्राई विंडी डे बी अ कूल डैम विंडी डे सी अ हॉट डैम डैम्प विंडी डे या डी नन ऑफ दीज इसका करेक्ट है ए हॉट ड्राई विंडी डे नेक्स्ट द अपेरेट जनरली यूज फॉर स्टडिंग द रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन स्ट्रीम इज़ ए पोटोमीटर बी इवेपोरीमीटर सी एटमोमीटर या डी पेरीमीटर करेक्ट इज ए पोटोमीटर नेक्स्ट विल्टिंग ऑफ प्लांट्स अकर्स वेन ए जाइलम इज ब्लॉक्ड बी फ्लोएम इज ब्लॉक्ड सी बोथ जाइलम एंड फ्लोएम आर ब्लॉक्ड या डी अ फ्यू रूट्स आर रिमूव्ड आंसर विल बी ए जाइलम इज ब्लॉक्ड क्योंकि प्लांट का मिनरल और न्यूट्रिशन रुक जाएगा फ्लोएम से इसका कोई लेना देना नहीं क्योंकि फ्लोएम का काम होता है फूड का ट्रांसलोकेशन नेक्स्ट है गटेशन इज द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन ऑफ वाटर फ्रॉम प्लांट्स थ्रू हाइड्राथ्स पढ़ रखा है पहले नेक्स्ट है गटेशन इज कॉज ड्यू टू ए इम्बाइबिशन बी ऑस्मोसिस सी रूट प्रेशर या डी ट्रांसपिरेशन ये क्वेश्चन भी अगेन रिपीट हो गया है आंसर इज सी रूट प्रेशर नेक्स्ट द मेटल आयन इन्वॉल्व इन स्टोमेटल रेगुलेशन इज़ ए आयरन बी मैग्नीशियम सी जिंक या डी पोटेशियम इसका करेक्ट आंसर है डी पोटेशियम नेक्स्ट विच फोटो रिसेप्टर कंट्रोल्स द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा ए कैरोटीन बी फाइटोक्रोम सी क्लोरोफिल ए या डी क्लोरोफिल बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी फाइटोक्रोम Next at what time the stomatal transpiration in plants is almost completely stopped A morning B night C evening or D none of these correct is B night Next which of the following walls of guard cells are thick A outer B inner C side walls or D all of these correct is B inner walls are thick walls Next is which of the following plants do not transpire A algae B fungi C submerged hydrophytes or D all of the above correct is D Next transpiration increases by a high humidity b wetness in soil c high temperature or d low wind velocity correct will be c high temperature next maximum transpiration occurs through a aerial root b stem c leaf or d fruits correct is c leaf Next Stomatal pore has wider opening in A. Far red light B. Blue light C. Green light or D. Yellow light Correct is B. Blue light Next गैशियस एक्सचेंज इन सबमर्ज हाइड्रोफाइट्स टेक्स प्लेस थ्रू ए लेंटी सेल्स बी स्टोमेटा सी वाटर स्टोमेटा या डी जनरल एपिडर्मिस इसका करेक्ट आंसर होगा डी जनरल एपिडर्मिस क्योंकि लेंटी सेल्स तो वुडी प्लांट्स में होते हैं वाटर स्टोमेटा नाम की कोई चीज़ नहीं होती और स्टोमेटा सबमर्ज हाइड्रोफाइड्स में एबसेंट होता है और अगर होता भी है तो नॉन फंक्शनल होता है नेक्स्ट है इफ़ द टेम्परेचर रिमेन्स कॉन्स्टेंट द रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन इनक्रीजेज मोर इन ए प्लान्स वन किलोमीटर बिलो सी लेवल बी प्लान एट सी लेवल सी प्लाट्स वन किलोमीटर अबव सी लेवल या डी प्लान्टन पॉइंट फाइव किलोमीटर अबव सी लेवल इस तरह के क्वेश्चन आते तो नहीं हैं बट कई बार आ भी सकते हैं इसका करेक्ट होगा डी प्लान वन पॉइंट फाइव किलोमीटर अबव सी लेवल नेक्स्ट विच ऑफ़ द फॉलोइंगज़ रैपिड रेट ऑफ ट्रांसपरेशन ए मीज़ोफाइट्स बी ज़ीरोफाइट्स सी पैरासाइट या डी सेप्रोफाइट देखिए जीरो फाइड्स में तो मॉडिफिकेशन होते हैं ताकि वो ट्रांसपिरेशन की रेट को लो कर सके आंसर होगा मीजोफाइट्स ठीक है नेक्स्ट है अनइक्वल लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम टू सरफेसिस ऑफ अ डोर्सिवेंटल लीफ कैन बी डिटरमाइंड बाय ए कोबाल्ट क्लोराइड पेपर बी गेनोंग स्पोटोमीटर सी डारविन स्पोटोमीटर या डी नन ऑफ दीज करेक्ट इज ए कोबाल्ट क्लोराइड पेपर Next, which of the following is the theory of stomatal opening and closing given by Levitt? A. Theory of starch glucose transformation. B. Theory of active K plus transport. C. Theory of starch sugar interconversion. Or D. None of the above. Correct is B. Theory of active K plus transport. Next. Transpiration would be lowest when a wind velocity is high, b enough water is in the soil, c atmospheric RH is high, or d high temperature and light. Correct is c atmospheric RH is high. Next, the number of stomata present per centimeter square of leaf is a less than hundred, b thousand, c one million, or d none. Correct is b one thousand. Next is which of the following is responsible for passive gutation? A tension cohesion of water molecules. B action of epithelium tissue. C osmotic activity of root hairs. Or D secretion of fluid by mesophyll cells. Correct is C. Next theory of starch glucose interconversion was proposed by A Yin and Tung. B Zelit. C Imamura. Or D none of these. Correct is A Yin and Tung. Next, which would you uh, which would do maximum harm to a tree? A. The loss of half of its leaves. B. The loss of all of its leaves. C. The loss of half of its branches. Yeah, D. The loss of its bark. Correct is D. The loss of its bark. Next, a wilting of the plants results from excessive A. Absorption. B. Photosynthesis. C. Respiration. Yeah, D. Transpiration. Correct is D. Transpiration. So this was all about today's question. Thank you for listening.